हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। दोस्तों, हल्दी से एक ऐसा फेस पैक आज बताने जा रही हूँ जो कि स्किन को वाइटन ब्राइटन बनाएगा। एंड मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की, इस पैक को एक बार यूज़ करके ज़रूर देखेगा। ये कई हद तक आपके रंग को गोरा कर देता है। अन ईवन स्किन टोन अगर है, कहीं से चेहरा काला है कहीं से गोरा है, तो उसको ये ठीक कर देता है। हल्दी की जो प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो आप सभी ये चीज़ तो जानते ही हैं। तो ये हर तरह के आपके पिंपल को, एक्ने को और एलर्जी रैशेज अगर है तो उसको ये ठीक कर देगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। हल्दी आपके दाग धब्बों को रिमूव करेगी, स्किन ब्राइटन हो जाती है। हल्दी अगर फेस पर लगाई जाए या बॉडी पर लगाई जाए तो ये आपके रंग को कई टोन तक तो गोरा करेगी, ब्राइटन स्किन होगी, स्किन पर एक शाइन आ जाएगी। और ये पैक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि आज तक आपने हल्दी को वैसे ही सिंपली यूज़ किया होगा जिस तरह मैं बता रही हूँ रोस्ट करके, इस तरह हल्दी को आज तक आपने फेस पर यूज़ नहीं किया होगा। एंड यकीन जानिए, एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और इस पैक को आप बनाकर भी रख सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो। मैं वन टाइम के लिए आपको बनाना बता रही हूँ। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए, अच्छी अच्छी सी वीडियोस एंड अच्छी अच्छी सी रेमेडीज़ को आगे भी देखने के लिए। और जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो की जब भी मैं अपलोड करूँगी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और ये ज़रूरी होता है, अगर आप ये प्रेस नहीं करेंगे तो आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने एक चम्मच हल्दी ली थी और उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। डार्क ब्राउन होने तक आपको इसको रोस्ट करना है। अब हम इसमें शहद ऐड करेंगे। मैं घर का शहद ले रही हूँ, आप मार्केट वाला कोई भी अच्छे ब्रांड का शहद ले सकते हैं। तो हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। आपको उतना शहद ऐड करना है जिसमें आपका ये पेस्ट बन जाए, ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो ना ही बहुत ज़्यादा थिन हो। फेस पैक जैसे बनाते हैं वैसी उतनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। और इसमें कोई भी अनदर तीसरी चीज़ यूज़ हमें नहीं करनी है, सिर्फ हल्दी और शहद से ही हमें ये पैक बनाना है। अब आपको अपने चेहरे को अच्छे से धो लेना है, बहुत ठीक से धोइएगा। कोई भी साबुन फेस पर यूज़ नहीं करना। आप ये पैक अपने फेस पर लगाएंगे, देखिए इतनी कंसिस्टेंसी का ये पैक आपको चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको इसमें शहद ऐड नहीं करना, और बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो, बहुत ज़्यादा थिन नहीं हो, इतना बना लेना है। तो जब चेहरे को वॉश कर लेंगे, अब इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। और मैं हाथ पे करके दिखा रही हूँ आपको, पूरा प्रोसेस अपनी गर्दन पर और अपने फेस पर करना है। इसको आपको लगाते जाना है और हल्के राउंड राउंड सर्कल में इसको रब करते जाना है। एक मिनट रब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके चेहरे पर स्क्रब भी हो जाए। स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिना स्क्रब की आपकी डेड स्किन नहीं निकल सकती। डेड स्किन निकलेगी तभी आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, निखार आएगा। तो आप सर्कल में इस तरह से इसको रब करते जाइए और अपने फेस पर लगा लीजिए। एक मिनट तक आपको रब करना है अपनी गर्दन पर भी और अपने चेहरे पर भी। और जब आप इसको लगा लेंगे ठीक से तो आपको ये कम से कम 20 से 25 मिनट छोड़ देना है। इतना टाइम इसको रखना ही रखना है जिससे कि ये पूरा जो पैक हमने लगाया है पूरी तरह से आपकी स्किन पर वर्क कर सके, इफेक्ट दिखा सके। और ये सूखेगा तो नहीं क्योंकि हमने शहद ऐड किया है, लेकिन इसको आपको 20 से 25 मिनट रखना ही है। और 20 से 25 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। तो मैंने कर दिया है वॉश और आपकी स्किन पर बिल्कुल ऐसी ही शाइन आने वाली है जैसे मेरे हाथ पर आई है। ये कई टोन तक आपके रंग को गोरा करेगा। और हल्दी में एक जो मेन चीज़ होती है, करक्यूमिन होता है, वो आपके रंग को गोरा करता है। हल्दी इसी वजह से स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी रखती है, और करक्यूमिन की वजह से ही हल्दी हमारी सेहत के लिए बेनिफिशियल होती है, हमारी स्किन के लिए होती है। इसको हेयर में भी आप लगा सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगेगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर कुछ भी क्वेरी है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट सेक्शन में आकर आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर।